सभी सदस्यों को नमस्कार, जय हिंद। आज ये विशेष जो वीडियो है हमारे फॉर्म नेशनल ट्रेजरर राइफलमैन हरिदास के ऊपर है। जैसे मैंने बताया भी था, पहले एक पोस्ट डाला था एग्जीक्यूटिव कमिटी में, 1 मई को मैं और मेरे साथ अन्य ऑफिशियल्स हरिदास के घर पर विजिट किया था, जो कि पायनूर में है, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट का। और उनका जो है तबीयत वैसे ख़राब है, जैसे आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 5वां AGM जो नगारी हिमाचल प्रदेश में हुआ था 20 अक्टूबर 2019 को, उसे कुछ दिन पहले हमारी जो हरिदास जो है अपने ऑफिस यानी कि आरेवा ऑल इंडिया हेड ऑफिस में आते वक्त रास्ते पर उन्होंने अपना बाइक को पार्क करके जब रोड क्रॉस कर रहा था तो एक लड़का, जवान सा लड़का, स्पीड में मोटरसाइकिल लेकर उनके ऊपर एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते उनका टांग में जो है फ्रैक्चर हुआ था। और पहला ऑपरेशन किया था इन्होंने अश्विन हॉस्पिटल में, जो कि बाद में पता चला कि करेक्ट ऑपरेशन हुआ नहीं। अभी हाल ही में कुछ रोज़ पहले उनका 4था ऑपरेशन हुआ है, देखिए। और जब हम गए उनके घर पर देखा तो 1 साल तक जो है उनका जो टांग है, जो ऑपरेटेड टांग को जमीन पर नहीं रख सकता है वो, यानी पिछले 5 साल से उनका हेल्थ कंडीशन सही नहीं रहा है। और जैसे आप सभी को पता है वो राइफलमैन रैंक का है, पेंशन काफ़ी कम है। और ECHS के द्वारा तो चलो 1-2 ऑपरेशन किया, लेकिन अभी जो हाल ही में जो ऑपरेशन हुआ है वो एक इंडिविजुअल डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो रिटायर हो चुका है, उनके कंसल्टेशन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका सर्जरी हुआ है, और जिसमें उनका पर्सनल काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। मतलब ये इनके ट्रीटमेंट में पहले से ही खर्च हुआ था, लेकिन जो 5th AGM में इनके अलावा हमारे हिमाचल के स्टेट सेक्रेटरी KV Paul जी को भी हमने 50,000 रुपया करके अनुदान दिया था एसोसिएशन के फंड से। लेकिन इनका जो कंडीशन है 5 साल से काफ़ी ख़राब चल रहा है, काफ़ी पैसे का भी खर्च हुआ है। तो मैंने इनसे वैसे बात किया था कि हमारे हेल्प के लिए, क्योंकि हरिदास जो है इस एसोसिएशन का जो स्थापना से पहले, जैसे 2009 में मैंने कहा था कि त्रिशूर में होटल में एक मीटिंग हुआ था जो RSA के अध्यक्ष सूबेदार मेजर CS नायर सर, जो आज भी RSA अडूर के अध्यक्ष हैं, वो आए थे हमारे वहाँ त्रिशूर में 2009 फरवरी 17 को। और ये हरिदास ने जो है उस मीटिंग का इसे आयोजन किया था। शुरू से ही एसोसिएशन के साथ इन्होंने काम किया है और पहला जो है नेशनल ट्रेजरर भी बना है, और ट्रेजरर के रूप में भी इनका काम करने का तरीका बहुत ही बढ़िया था। लेकिन जब एसोसिएशन त्रिशूर से त्रिवेंद्रम में आए तो उनको जो है जॉइंट ट्रेजरर के रूप में रखा था, क्योंकि इसके अलावा जो भी एसोसिएशन का मेंबरशिप को बढ़ाना, लोगों को कंटेक्ट करना, इसका इन्फॉर्मेशन देना, वो काम जो है आज भी वो जारी कर रहे, देखिए, जबकि बिस्तर पर है, वो बेड रिडन है। तो ऐसे व्यक्ति को फिनेंशियल हेल्प करना जो है हम सभी का कर्तव्य बनता है। वैसे उनसे मैं जब बात करता हूँ तो बोलता है कि नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए, मतलब अपना प्रिंसिपल के रूप में किस लिए मैंने पैसा लेना है, ऐसा करके मेंटेलिटी है। वैसे हम जानते हैं वह जो है फिनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको अपने इलाज के लिए लाखों रुपया जो है उन्होंने खर्च कर चुका है। अभी जो लेटेस्ट सर्जरी है वो 1 साल तक जो है वो टांग जमीन पे नहीं रख सकता है, बाथरूम जाना इधर उधर जाना मुश्किल है उनको, और लड़का भी को भी अच्छा एक जॉब मिला नहीं है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तो हम चाहेंगे कि इसके ऊपर हमने चर्चा किया था, जिस बेटी का शादी के लिए हम गए थे हमारे वारंट ऑफिसर जॉनसन सर के घर में, तो जॉनसन ने जो है बताया, और उसके अलावा जो भी एक सर्विसमैन लोअर सर्विस पर्सन वहाँ पे आए थे वो अटेंड करने के लिए उनकी लड़की का जो मैरिज, एक्चुअल में ये जो है मन संबंधम बोलता है, एंगेजमेंट है, शादी तो उनका 12 तारीख को होगा इसी मई को, और लड़की के पेरेंट होने के कारण एक एंगेजमेंट सेरेमनी था जो कि शादी की तरह मनाया जाता है। और जॉनसन सर जो है 5,000 रुपया उसी वक्त दिया था, मेरे हाथ में है इनका, इनको हेल्प करने के लिए, और उन्होंने और भी हेल्प करने का आश्वासन दिया है। उसी प्रकार जो भी एक सर्विसमैन कोटेम पत्तनमतिट्टा वगैरह से जो आए थे, जेसीओ साहबन, सभी ने मुझे बताया सर जरूर जो है
इनको फिनेंशियली हेल्प देना है। मैंने हरिदास से कल भी बात किया था, तभी वो मना कर रहा था। वैसे उनका पूरा बैंक अकाउंट हम लेंगे और इसका जो क्राउड फंडिंग है उसके ऊपर कुछ पैसा जो है हम डोनेट करके इनको हेल्प करेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। वैसे वो माने या ना माने, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति है ये, ऑनेस्ट है। जब भी हम काम करते थे, देखिए वो करीब 35 किलोमीटर है उनका घर से, मेरा जो ऑफिस था त्रिशूर में, डेली रोज़ाना जो है वो मोटरसाइकिल में आना जाना, जो कि पेट्रोल में काफ़ी खर्च होता है, लेकिन ऑनरेरियम काफ़ी कम मिलता था उस वक्त, 5,000 रुपये हम देते थे इनको। उसके अलावा जो है बिल्कुल ही डेडिकेटेड एक वर्कर है एसोसिएशन के शुरुआत में, एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए। शायद ही कोई उनको न जानता हो इंडिया और नेपाल में। उनका जो बात करने का तरीका भी बहुत ही पोलाइट है, लोग उनको चाहते हैं। तो हम ऑफिशियली जो है क्राउड फंडिंग का जो हमारा प्रोसीजर है अरेवा ऑल इंडिया का, एक दो दिन में जो है मैं उसको डालूंगा। और मुझे मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है देके उनको सहायता करेंगे, और यही कहना है मैंने आज। और उनको जो है मैं फिर एक बात और बात करूँगा हरिदास से, पूरा डिटेल लेके मैं ऑफिशियली एक सर्कुलर इशू करूँगा। और यह जो है वीडियो मैं उससे पहले दे रहा हूँ ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हमारे पूर्व जो खजांची है उनका कंडीशन, हेल्थ कंडीशन सही नहीं चल रहा है पिछले 5 साल से। उनको मदद करना हम सभी का कर्तव्य है। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय अरेवा, जय भारत। थैंक यू।